हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब सब कैसे हो? आज फ्राइडे है और फ्राइडे अभी आफ्टरनून है और मेरी अभी तक लंच नहीं हुई है। मैं लंच करूंगी और उसके बाद होगी पैकिंग और हम लोग कल जा रहे हैं, इसीलिए पैकिंग चलेगी और पैकिंग थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि आज भी थोड़ी सी पैकिंग होगी, कल भी होगी और सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी एक्साइटमेंट है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलो मेरे साथ बने रहो और देखते रहो, लेट्स गो। हाँ, अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ। लंच करने में बहुत देर हो गई है। आज आज है फिश और पोटैटो फ्राई और राइस, क्योंकि आज थोड़ी मैंने खाना कम ही बनाई, फ्रिज को तो खाली करना ही है। आज लंच बनेगी डिनर और कल की लंच बनेगी, बस इतना ही। तो इसीलिए थोड़ा कम खाना बना रही हूँ। अगर रह जाएगा तो उसको फेंकना पड़ेगा खामों का। तो मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया आज। हम उन लोगों का सबका खाना हो गया, अभी मेरा बाकी था क्योंकि कल जाएंगे, तो इसीलिए मैं दूसरा काम में बिज़ी हो गई थी। इधर उधर की बहुत सारी कामें रहती हैं तो उसको मैं बिज़ी हो गई थी। तो काम करते करते बस आजकल लंच खाना मुझे देर हो गई। अभी तो लंच करने के बाद बहुत सारे काम हैं, अभी देखूंगी कि दूसरा क्या क्या पैकिंग वगैरह करना है। मगर अभी आज मैं सूटकेस में कुछ भी नहीं डालूंगी, आज थोड़ा सा अच्छे से कपड़ा को फोल्ड करके रख दूंगी क्या क्या लेना है। बाकी तो बहुत सामान मैं पैकिंग नहीं करूंगी आज, आज थोड़ा सा ही सामान को रखना है। बाकी तो हम लोग उधर जाके ही खरीदेंगे जो भी करना है, क्योंकि इधर से इतना दूर से फालतू कैरी करके लेके जाना ठीक नहीं लगता कि उधर जाके ही खरीद लेंगे। तो अभी तो मेरी लंच ऑलमोस्ट हो चुकी है, अच्छा ही लगा। मगर फिश में बहुत सारे कांटे हैं, इसलिए कांटेदार फिश मैं उतना नहीं खाती हूँ। फिर भी आज ट्राई कर रही थी अगर हो जाए, मगर मुझे पता है मैं इसको पूरा नहीं खा पाऊँगी, इसमें बहुत काटा है। मुझे बहुत डर लगता है कि गले में अगर चुभ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने नहीं खाए, आधा मैंने रख ही दिया है, बस ऑलमोस्ट फुल फिनिश। अभी तो मेरी लंच खत्म हुई है और मैं थोड़ी सी बैठी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद बड़ी लंबी सी टास्क है, वो है मेरी पैकिंग। मगर पैकिंग अभी सब कुछ नहीं होगी क्योंकि अभी थोड़ी सी सिलेक्ट करूँगी कि कौन सी ड्रेस लेना है, फिर जाके वो पैक होगी। तो इसके लिए बहुत सारा मतलब टाइम है, तो अभी तो मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद 10-15 मिनट बाद ही उठूँगी, फिर उठ के पैकिंग करूँगी और देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तो इवनिंग हो गई है और क्योंकि आज मुझे लंच करने में बहुत लेट हो गई है। तो चलो मेरे साथ बने रहो। देखो ये सब ले लूं, नहीं लेना ये सारा पैकिंग कर दूं। हाँ, और पैकिंग करने के बाद मैं सूटकेस बंद कर दूंगी, उसके बाद खोलने के लिए भूलना नहीं। नहीं, मुझे और खोलना नहीं है, 10 बार खोल के फिर मैं बंद नहीं करूंगी, खोलना नहीं है। अभी तो फर्स्ट राउंड हो रहा है, सेकंड राउंड में और भी हो सकता है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं चलेगा ना, नहीं बार में थोड़ी याद रहेगा मुझे क्या क्या लेना है, बाद में पता चलेगा क्या क्या लेना है नहीं लेना है। ये वाला वो वाला नहीं लेना, नहीं लेना।
बाद में नहीं कर बोलना हा, फिर मैं सूटकेस को खोलूंगी नहीं। वो कर दो और देखो टी शर्ट ले लो, एक दो पैसे हो जाएगा, एक दो टी शर्ट ले लो और उसके बाद मैं एक बार चेक कर लेगा काम हो जाने के बाद और क्या दे रहा है। तो सबसे अच्छा है कि तुम्हारा सूटकेस तुम्हें पैकिंग करो, अभी के लिए तुम कर दो, इतना करो ना फर्स्ट राउंड, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं पैक करूंगी, फिर बोलोगी ये नहीं वो नहीं, अभी तो बोल दिया इतना ही लेना, इतना ले ले तू, मैं बाकी सेकंड राउंड में ले लेगा। देखा ये बेटे ने ये तोड़ दिया, देखा ये मेरा कैमरा रखने का जगह है, इसलिए थोड़ा उठी सी खेल रहा था क्या इसको, पता नहीं और उसने तोड़ दिया। बाबा बाबा क्या है? अरे मेरे सेल्फी स्टिक तूने तोड़ा है? नहीं मैंने नहीं तोड़ा, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने। तू बदमाशी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तू सच बता तोड़ा है? अरे क्या हुआ था कि जब मैं लैपटॉप देख देख कर बोर हो गया ना, तब मैं स्वॉर्ड स्वॉर्ड खेल रहा था तो मैं वो दरवाजे में गलती में लग गया, इसलिए उसके ऊपर वाला हिस्सा टूट के निकल आ गया। और तू मेरा सेल्फी स्टिक दे के स्वॉर्ड स्वॉर्ड खेल रहा था, वो स्वॉर्ड है क्या? मुझे तो स्वॉर्ड ही लग रहा था। तू और कितना दिन तू बदमाशी करेगा, तेरा कितना दिन बदमाशी चलेगा बता? बहुत दिनों से, बहुत दिन चलेगा ना। हाँ। और अभी बेड का हालत भी तूने बिगाड़ के रख दिया है, अभी हम लोग कल जाएंगे पैकिंग करेंगे और तू ये सब क्या किया, इसका हालत पूरा खराब कर दिया और मेरा स्टिक भी तोड़ दिया, और क्या क्या करेगा बता, अभी हंस रहा है वो सब तोड़ के। अभी मैं मेरी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद ये सारे कपड़े को मैं खोली, क्योंकि इस ये सब गॉर्जियस कपड़े हैं, इसको मैंने बहुत दिन पहना नहीं, लास्ट टाइम जब पहना था वो मेरी दीदी के डॉटर के शादी में मैंने पहनी थी ये लहंगा उसके बाद बस पहना नहीं है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ये लहंगा इधर से ही हम लोग मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, फिर लहंगा पहनने में ही लगता है कि थोड़ा सा डांस करूं लहंगा पहन के, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लहंगा, लहंगा जो ड्रेस है ना मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है लहंगा, फिर उसके बाद साड़ी आते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है और कलर भी मुझे बहुत पसंद है, और ये तो मेरी फेवरेट है रेड कलर की, एकदम शिफॉन जॉर्जेट का जो है ना, तो इसमें बहुत एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो ये भी मैंने बहुत शौक से मैंने लिया था, ये मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है इसकी, तो बहुत मोतियों का पूरा साड़ी में मोतियों का काम है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, ये तो मैं पहनूंगी ज़रूर जाने के बाद, मगर अभी तो इसका फोल्ड करना है क्योंकि बहुत दिन से ये सब खोला नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके आज तो मैं रख दूँगी, बाकी तो कल ये भी मेरी बहुत फेवरेट है ब्लैक कलर की साड़ी, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है उसकी, और ये मेरी और भी फेवरेट है क्योंकि ये येलो कलर की एक लहंगा है, इसको मैंने कभी पहना नहीं है, बस इसको स्टिच करके रख दिया था तो इसको मैंने कभी पहना नहीं है, बस अभी भी सारे काम तो फोल्ड करने का काम मुझे मेरे हो गए हैं, तो अभी क्या करूं, थोड़ी से टायर्ड फील हो रही है काम करते करते, तो अभी फिर से मैं आ गई हूं किचन में और अभी मुझे चाय बनानी है, और मेरे लिए चाय और कॉफ़ी बनानी है, अभी बनाने के बाद मैं जाके थोड़ी बैठूंगी क्योंकि हम दोनों का तीनों का कपड़ा ही फोल्ड हो चुका है, बाकी जितना बाकी है वो सब कल करूंगी क्योंकि कल सुबह ही मेरे फाइनल पैकिंग होगी, मेरा तो ऐसा ही है कि क्योंकि प्री प्लान कुछ होता नहीं है मुझसे जिस दिन जाऊंगी बस उसी दिन मैं करूंगी सब, आज तो कॉफ़ी अभी बना लिया है, कॉफ़ी उनका है और मेरे लिए अभी ग्रीन टी बनेगी, और
पैकिंग वगैरह जो है वो कल फाइनली होगी, क्योंकि मैं हर जब भी मैं कहीं पर भी मैं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, वही सेम डे जब मुझे निकलना होता है सेम डे ही मैं पैकिंग करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन पहले से पैकिंग में लगे होते हैं, मगर मेरा तो कभी हुआ ही नहीं वैसा। मैं तो हमेशा सेम डे ही पैकिंग करती हूँ। इवनिंग को कल निकलूँगी तो सुबह से पैकिंग करने में लग जाऊँगी, थोड़ा 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 इधर उधर का पैकिंग करूँगी, फिर हो जाएगा। बस मेरी चाय और कॉफ़ी रेडी, अभी थोड़ी सी बैठूँगी और बैठ के रिलैक्स करके चाय पीऊँगी। और मेरे हेयर भी बहुत गीला गीला है, क्योंकि बहुत लेट मैंने नहाया तो इसीलिए पूरा गीला हो चुका है, अभी भी गीला ही है। फिर ये टाइम मेरे लिए बहुत रिलैक्स करने का टाइम है। अभी थोड़ी सी चाय पीना है और गपशप करना है। उनका तो पूरा दिन काम चलता रहता है, पूरा दिन फुल डे वो बिज़ी रहते हैं, मगर फिर भी मैं जब भी कोई काम के लिए बोलती हूँ कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये चाय ख़त्म। और हेलो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी बताओ। और आज की ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी पैकिंग की और बाकी तो इधर उधर भी काम किया, मगर कल सबसे ज़्यादा पैकिंग चलेगी क्योंकि आज मैंने अलग अलग से रखा है, अपने जो जो सामान हमें लेके जाना है तो उसको रखा है अलग से, मगर कल पूरी पैकिंग करूँगी। और भी सारे काम हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो थोड़ी इधर उधर की काम चल रही है, मगर मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ और इसीलिए आज के ब्लॉग में यहाँ ख़त्म करती हूँ और फिर कल मिलती हूँ। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी ब्लॉग आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, टाटा।